इनके चरणों में प्रणाम करता हुआ आज का यह शिविर इसे सर्व कार्य सिद्धि 64 योजनी साधना शिविर का नाम दिया गया है। इस साधना में आज सोमवार अष्टमी है, कृष्ण चतुर्थी है और हम माता को चतुर्षष्ठी योगिनी माता के लिए किस साधना क्यों करनी चाहिए और चतुर्षष्ठी योगिनियां कौन है, इसका फल क्या है, इसके बारे में तो बताता हूँ। इससे पहले मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने साधना मार्ग ही क्यों चुना। साधना मार्ग इसलिए चुना कि हमारे पास साधना और तपस्या चले जाने के कारण ही आज यह स्थिति है। हम चाहते हैं कि गुरु मिले या भगवान मिले या कोई मिले, हम जाए दर्शन लें, हमारा काम हो जाए। हम नहीं चाहते कि हम तपस्या करें, हम नहीं चाहते कि हमारे शरीर की शुद्धि हो। इधर भगवान की मूर्ति या भगवान को पूजा करें, नारियल थोड़े बाहर आते फिर झूठ बोलना शुरू या अपने कर्म में अपने कर्मों में हम लीन होना शुरू, यह कब तक चलेगा, हम कब सफल होंगे। हमारे जीवन में हमें मिलने के बाद भी, हमारे से प्रार्थना करने के बाद भी लोगों को यह पता चले कि हाँ इस आदमी से मिलने के बाद हमें सुख मिलता है, हमें आनंद मिलता है। आज हम बहुत सारे घरों में यह देखते हैं कि पति पत्नी भाई भाई फिर पिता बच्चा सास बहु ये सारी घरों में अशांति का कारण बने हुए। क्या पहले नहीं थे, ये पहले भी थे और इनके घर में पहले अशांति क्यों नहीं थी, पहले शांति क्यों थी और आज अशांति क्यों है, क्योंकि हमने तपस्या का मार्ग छोड़ दिया है, साधना का मार्ग छोड़ दिया है। गुरु जी ने कहा है कि हमारे पास हर समस्या का समाधान है और हर समस्या को हम साधना के मार्ग से पूर्ण कर सकते हैं, सफलता मिल सकती है, लेकिन हमने उस मार्ग को बताने वाले गुरु नहीं रहे ना तपस्या करने वाले लोग रहे। गुरु जी ने कहा कि तुम सिद्ध बनो, किसी के चरणों में जाकर यह पूछना नहीं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करने से ठीक होगा, या मुझे कोई आप हर एक आदमी 50 गुरुओं के पास भी घूमो तो 50 गुरु 50 तरीके के आपको साधना या सफलता का मार्ग बताएंगे। तो कोई बोले कि बालाजी जाओ, कोई बोले कि हनुमान जी जाओ, कोई बोले कि नवग्रह की पूजा करो, कोई बोले कि नारायण नामपुरी करो, लेकिन क्या आप इन सभी के प्राप्त होने पर भी आप सिद्ध है, आपके घर में शांति है, आपने जो चाहा है वो हुआ है, ये प्रश्न जब तक हमें छूटता नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें किस तरह सिद्ध करना है, हमें किस तरह इस प्रश्नों से छुटकारा पाना है, ये हमें जानना चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि तुम्हें इतने 40 दिन साधना करनी है, 60 दिन साधना करनी है या 1 साल साधना करनी है, तो तुम्हें करने की उतनी इच्छा या उतना तुम्हारे में सहन शक्ति नहीं कि उतने दिन करें। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी आयु एक जमाने में रामचंद्र जी के जमाने में आयु 10,000 साल, कृष्ण के जमाने में कहते थे 1,000 साल हुई और इस जमाने में 100 साल हुई, लेकिन इस 100 साल में हमारे 40 साल की बीमारियों ने खा लिया, हम 60 साल जीना भी हमें मुश्किल हो गया है। 60 साल ही ठीक तरीके से जीना हमारे जीवन में कठिन हो गया है और उस 60 साल में अगर बीमार ग्रस्त हुए या अपने बच्चों की परेशानी में है तो साधना का मार्ग हमें नहीं मिलता। हमें क्या करने से इस मार्ग से हम छुटकारा पाए और हमारे जीवन में छोटे से जीवन में 60 साल एक बड़ी जीवन की लंबी आयु नहीं, क्योंकि 60 साल में भी अगर हम सुख शांति से जिए इसके लिए क्या करें। हम तो 40-40 दिन साधना करना या 60-60 दिन साधना करने में रहे, 11 दिन भी करो बोलने पर मुझे 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, गुरु जी क्या उपवास करना है, क्या एक बार खाना खाना है, क्या वही कपड़े पहनना है, क्या इतनी ही माला करना है, क्या सुबह करना है या शाम में करना है, घर में बैठ के कर सकते हैं या बाहर बैठ के कर सकते हैं, आप फैन लगा रह सकते हैं, आप कूलर लगा सकते हैं, अरविंद तपस्या कर रहे हो, तुम्हारे शरीर को ताप दो, तुम्हारे शरीर में माता पार्वती शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पहले एक समय का खाना छोड़ा, बाद में दूसरी बार पानी पीकर लेने लगी, तीसरी बार फल खा के पानी पी के बाद में हवा खा कर हवा भी नहीं लेकर तपस्या करके जब सूखी हो गई तो तब कहीं उन्होंने शिव जी प्राप्त हुए। ये हमारे पुराण शिव पुराण आदि कहते हैं पार्वती माता जैसी कोई शिव को प्राप्त करने के लिए इतना सब करना पड़ा। हम तो एक मिनट के लिए भी ये नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई ऐसा हो कि गुरु जी उपवास कहे या गुरु जी 10 घंटे साधना करने के लिए बैठो बोले तो हम साधना करने के योग्य है, साधना करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो उस साधना के लिए तुम्हारे जीवन में अगर सफल बनना चाहते
मैं भी तुम्हारे जैसा ही गुरु जी के शिविर में ऐसा ही बैठा करता था, लेकिन जीवन में एक जिज्ञासा थी कि संसार में मुझे कुछ करके बताए, मैं चार लोगों के लिए उपयोगी बनूं। मेरा बहुत सारे लोग मुझे आज 20 साल पहले मुझे देखे हैं, मैं भी नौकरी करता था, मेरे पास एक जिज्ञासा थी कि प्रभु मैं आपके नाम से मैं 10 लोगों को अगर कुछ प्रसन्नता दे सका, मैं सुबह से शाम तक ये करते हुए प्रश्न करता हूँ रात में सोते समय कि आज मेरे तरफ से कितने लोग दुखी हो गए और आज मेरे तरफ से कितने लोग सुखी या प्रसन्नता खो दिए। इसके ऊपर से मैं जीता हूँ कि प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पास जो भी आए उसे अनुभव करे, प्रसन्नता अनुभव करे, जितने भी प्रसन्नता दे सका। उस दिन गुरु जी को यह धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से, आपके इस कृपा से मैं साधना के मार्ग में चला और आज आश्रम में हूँ। सब लोग जानते हैं कोई भी आश्रम में आते हैं तो उसे लोग खाना खाते हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। एक बार आश्रम में प्रवेश कर गया तो उसको न सोने की चिंता है न खाने की चिंता है, केवल साधना कर सकता है, साधना करना चाहिए। किस प्रकार मैंने उस आश्रम का निर्माण करके सद्गुरु जी की कृपा से किया है। हम अपने घर में कोई आए तो हम दो दिन अगर कोई रह गया तो हमारे में एक बेचैनी हो जाती है, जो अभी इतने दिन रह गया क्या करना, क्या करने वाला है। हम दो दिन किसी को किसी के तरीके से खाना नहीं खिला सकते, ये हमारा जीवन कब तक। हमारा बच्चा भी पिता का बेटा भी बड़ा हो गया, उसको नौकरी नहीं आ रही, तो आज तक के माता पिता इतना सताते हैं कि नौकरी नहीं करता है कैसे जिंदगी गुजारेगा, क्या करेगा। इस स्थिति में ऐसी स्थिति होने पर हमारे जीवन में हर एक आजकल के पति हो पति हो, अगर पति नौकरी नहीं करता है तो पति का रोज रोज झगड़ा होता है कि तुम्हारे हम ऐसा कितने दिन जिएंगे। यह हमारे जीवन का एक दुर्भाग्य है कि हम आज तक भी एक तरीके से सेटल नहीं हो सके, एक तरीके से सफल नहीं हो सके, एक तरीके से काम नहीं हो सके, ऐसा जीवन कितने दिन जिएंगे। हमारे जीवन में कुछ ऐसा भी हो, आज सपोज नौकरी भी मिली तो फिर उसका पास की तरफ से कोई परेशानी या नौकरी में कुछ परेशानियां, ये सारी चीजें चल रही, फिर हम क्या करें, किस तरह जिए और किस तरह जीने के लिए हमें कौन से देवता की आराधना करनी चाहिए। कौन से देवता की आराधना करने पर हमारे जीवन में ऐसा कुछ प्राप्त हो कि हम मार्ग चलते रहें और मार्ग में अड़चन आए भी तो अड़चन दूर होने की क्षमता हो। हमें थोड़ा सा अड़चन आते हैं किसी गुरु के पास किसी देवता के पास जाते हैं मेरे अड़चन दूर करो, क्या वहाँ जाने वाले अड़चन दूर होती है, हमें पता नहीं कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। यह बात रावण जो बहुत तपस्वी था, जिसने पुलस्त्य महर्षि का होता था, पुलस्त्य सात मास ब्रह्मा के सात मास पुत्रों में से करके और उनका होता था रावण। रावण पुलस्त्य जी के पास गया और उन्होंने कहा कि मैं ऐसी जिंदगी दरिद्र जीवन जिंदगी नहीं जीना चाहता, या तो मैं अच्छा जीवन सामर्थ्यवान जीवन जीऊंगा नहीं तो ये मार्गों में यही मरने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए। किसी ने कहा शिवजी की आराधना करो, शिवजी हमारे देवता हैं, भोलेनाथ हैं, तुम जो भी चाहोगे वो देने के लिए तैयार है। ब्रह्मा हमारे पितामह प्रपितामह हैं, ब्रह्मा से पूछने पर ब्रह्मा जी ने भी कहा अगर तू सचमुच धनवान बनना चाहता है, सामर्थ्यवान जीना चाहता है, तेरे जीवन में कुछ कमी न हो ऐसा जीना चाहता है तो तू शिव भोलेनाथ शिव जी की आराधना कर। रावण आया और उसके दिल में एक बात रह गई कि रावण ने कहा कि शिव जी की आराधना तो कैसे करूं, क्या ओम नमः शिवाय जप करने से मैं सिद्ध हो जाऊंगा, शिव जी मेरी बात सुनेंगे, क्या करने से मेरे जीवन में सफलता मिलेगी। वो बार बार ये सोचता गया और पुलस्त्य जी के पास गया, फिर अपने पितामह के पास गया और बोला कि पितामह मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है शिव जी क्या करने से प्रसन्न होंगे, किस तरह पूजा करने से, किस तरह आराधना करने से प्रसन्न होंगे। उन्होंने कह दिया कि शिव जी को आराधना कर, शिव जी को आराधना किस तरह करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तो मैं भी नहीं कह सकता कि शिव जी कैसे प्रसन्न हो सकते हैं और क्या करने से प्रसन्न हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा उससे पहले कि शक्ति की आराधना कर, माता पार्वती है, माता पार्वती को प्रसन्न करने से शिव जी प्रसन्न हो सकते हैं और शिव जी मार्ग बता सकते हैं। जब माता पार्वती जी की साधना करने के लिए शांकरी देवी नाम से आज भी लंका में शांकरी देवी शक्ति के नाम से जानी जाती है, वहाँ शांकरी देवी की आराधना उन्होंने आरम्भ किया और कहा कि माता मुझे ये बताओ कि मैं कौन सी साधना करने से सामर्थ्यवान करूंगा, ऐसा जीवन कि कैसी कभी मुझे कुछ किसी को पूछना ना पड़े, मैं ही किसी को दूं तो मैं दे सकूं और मैं एक ऐश्वर्यवान जीवन जी सकूं, समर्थ जीवन नहीं, न मेरा बेटा कभी बीमार हो, न मेरे बेटे को किस प्रकार की असमर्थता हो, मेरा बेटा भी हो तो शानदार सम्पन्नवान हो, मेरी माँ मेरे भाई बहन सब सम्पन्नवान हो गया, ये हमारा जीवन हमारा एक गर्व ऐसा हो जो इसके लिए मुझे क्या करना। तो माता शांकरी देवी की आराधना करने लगा तो शांकरी देवी ने कहा कि रावण तुम्हें ये बात कहेगी